नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का हेल्थ शो, जहां हम बात करेंगे आपके और हमारे हेल्थ के बारे में। स्किन केयर आज के समय में कितना जरूरी है ये आप जानते हैं। पिंपल्स अगर एक बार फेस पे आ जाए तो ये हमारे फेस को पूरी तरह से खराब कर देता है। आजकल के युवाओं में चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, हर किसी को चेहरे में मुहासों की शिकायत होती है। पिंपल्स आपकी खूबसूरती को छीन लेती है। एक बार पिंपल्स हो जाए तो इससे पड़ने वाले दाग भी आपके चेहरे में दाग छोड़ जाते हैं। एक साफ चेहरा किसको नहीं चाहिए, तो आज हम बात करेंगे आखिर चेहरे में पिंपल्स आने के क्या कारण है और पिंपल्स से छुटकारा कैसे पाए। सबसे पहले बात करते हैं पिंपल्स आने के क्या मुख्य कारण है। चेहरे में पिंपल्स आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप कैसा पानी पीते हो, क्या खाते हो, डाइट क्या है, बहुत सारे फैक्टर है। चलिए एक एक करके जानते हैं। फेस में मुहासे आने का एक सबसे बड़ा कारण है ऑयली फेस। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल है या फिर आपका फेस ऑयली पड़ा हुआ है तो समझ जाए कि जल्दी आपके चेहरे में आते हैं, जो कि डेड स्किन के साथ मिक्स हो जाता है और पिंपल बन जाता है। ये तब होता है जब आपका फेस हद से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो यही एक्स्ट्रा तेल आपके फेस पे जमा हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये पिंपल का रूप ले लेता है। पोर्स में बैक्टीरिया आ जाने से भी पिंपल होता है। पोर्स आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन्हें हम पोर्स कहते हैं। अगर इस पार्ट में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्शन आ जाता है तो ये पिंपल का रूप ले लेता है धीरे धीरे। मेकअप करने से भी चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं। जी हाँ, आप किस तरह का मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। कुछ लड़कियाँ थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोकल मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ टाइम बाद चेहरे पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, कुछ लोगों का फेस पे मेकअप स्किन को सूट नहीं करता, जिसके वजह से पिंपल निकल जाता है। धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से भी एक्ने निकल आते हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा गंदगी और धूल मिट्टी है तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गाल में पिंपल्स निकल सकते हैं, तो इसलिए आप साफ सुथरी जगहों पर रहे। अब बात करते हैं पिंपल्स से छुटकारा कैसे पाए। पिंपल्स ठीक करने के घरेलू उपचार, अगर आपके थोड़े बहुत दाने फेस पे आते हैं तो आप इन्हें घर पर घरेलू उपचार से अपने पिंपल्स को दूर कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे आप घर पर ही थोड़ी सी सावधानी बरतने पर अपने फेस में पिंपल आने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी में चंदन का पाउडर मिला के और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर फेस पैक बना के लगा सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। या फिर आप चाहे तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में दो बार सुबह और शाम को मुंह धोए साफ पानी से। नरम नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर फेस पे लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीम हमारे फेस के लिए कितना लाभदायक होता है, इसमें एंटीसेप्टिक होता है जो पिंपल बनने वाली बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। हल्दी का पेस्ट भी पिंपल को दूर करता है। हल्दी त्वचा से जुड़े कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हल्दी पाउडर में आप थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना के फेस पे लगा सकते हैं। पौष्टिक आहार का सेवन करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, जिसमें विटामिन ई और जितने भी जंक फूड्स हैं जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, तली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। पानी के कितने फायदे हैं ये आप जानते ही हैं। जितना ज़्यादा पानी का सेवन करें उतना बेटर है। चेहरे को बर्फ से मसाज करें। जी हाँ, बर्फ यानी आइस हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, तो इसे आप पिंपल वाली जगह पे लगा के मसाज कर सकते हैं, जिससे फेस से गंदगी और ऑयल निकल जाता है, जिससे चेहरे में चमक आती है और पिंपल की समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर हेल्थ सेगमेंट के ऊपर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी और भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।